एक मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। नीम के पेड़ की पतली सी डाल पर एक औरत नमाज अदा कर रही है। नीचे पूरा गांव उसे टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन वीडियो में नजर आ रही यह औरत मानो हर बात से बेखबर अपनी नमाज पढ़ रही है। वीडियो देखने वालों का मुंह खुला है और आंखें फटी हुई हैं। जनता सोच में पड़ गई है कि हरा दुपट्टा ओढ़े और गुलाबी रंग का सूट पहने ये महिला आखिर पेड़ की डाल पर नमाज क्यों पढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ये कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकट गांव की है। दावा है कि यह औरत पेड़ पर बिना किसी सहारे के चढ़ती है, पतली डाल पर पूरी नमाज पढ़ती है और नमाज अदा करके चली जाती है। कब आती है और कहां जाती है कोई नहीं जानता। हैरान करता है गांव वालों का यह दावा कि इस औरत को ना तो किसी ने पेड़ पर चढ़ते देखा है और ना उतरते। इस वीडियो को देखकर हैरानी इसलिए है क्योंकि नीम का पुराना पेड़ 40 से 60 फीट ऊंचा होता है। इस पेड़ की ऊंचाई अंदाजे से 20 से 25 फीट के बीच हो सकती है। इतनी ऊंचाई पर पतली सी डाल पर बिना किसी को दिखे ये महिला कैसे पहुंची? मुश्किल से दो पैरों की जगह वाली गोल डाल पर संतुलन कैसे बना रही है महिला? बिना किसी सहारे के उस डाल पर उठ बैठ कैसे रही है? नमाज अदा करने के लिए उसने पेड़ की डाल को ही क्यों छू? ये वीडियो कल देर शाम हमारे पास आया और हम इसकी पड़ताल में तुरंत जुट गए। पड़ताल में हमें जौनपुर के केराकट थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह का नंबर मिला। वही केराकट जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमने उनसे इस वीडियो की सच्चाई के बारे में पूछा। इस वीडियो के बारे में बता पाएंगे ये कितना पुराना वीडियो है और ये कहां का वीडियो है? देखा है आपने? ये देखा तो नहीं है लेकिन बताया गया ये 3 महीने पुराना वीडियो है। ये महिलाएं कुमारी सबीना, ये मेहनगर आजमगढ़ की रहने वाली हैं। यहाँ केराकत कस्बे में शेखजादा मोहल्ला है, वहां पे निजामुद्दीन इनके रिश्तेदार हैं। उनके यहाँ शादी में आई थी और इसी दौरान वो अपना पेड़ पे चढ़ के नमाज पढ़ रही थी। वो लड़कों ने उनकी वीडियो बनाई थी। उस समय तो ये वायरल नहीं हुआ था लेकिन अब बताया जा रहा है कि वायरल हो गया है। इसकी किसी प्रकार की चर्चा कभी नहीं रही और नहीं किसी ने पेड़ पे चढ़ते करते देखा, खाली पेड़ पे चढ़ के नमाज पढ़ते देखा। सीनियर सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आगे इस मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो आएगा एबीपी न्यूज आपको बताएगा। फिलहाल ये साबित हो गया है कि महिला पेड़ पर चढ़ी थी और नमाज पढ़ रही थी। हमारे पड़ताल में ये वीडियो सच साबित हुआ है।